एट नाइट अप्रोक्सीमेटली 500 फोटोन्स पर सेकेंड मस्ट एंटर एन अनएडेड ह्यूमन आई फॉर ऑब्जेक्ट टू बी सीन. लाइट बल्ब एमिट्स 5×10^18 फोटोन्स पर सेकेंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन. द रेडियस ऑफ पिपिल ऑफ द आई इज अबाउट 4×10^-3. वॉट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द बल्ब कुड सीन. ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है वैसे, पर ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व. तो अब जैसे ये सोर्स है तुम्हारे पास, सारे तरफ इससे जो फोटोन्स निकल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल रहे हैं. है ना, स्फेरिकल वेव फॉर्म में निकल रहे होंगे. और जो तुम्हारी आंख है यहां वो ये रही. तो मेरे को ये दिख रहा है, अगर मान लो कि ये दूरी अभी कभी किसी समय आर है, वो आर ही पता करना. तो मेरे को ये दिख रहा है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स इन 4πr² रीजन इस पूरे सरफेस एरिया पे कितना रीजन में नंबर ऑफ फोटोन्स है, 5×10^18 पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ फोटोन्स इन यूनिट एरिया कितना आ जाएगा, 5/4πr² × 10^18. और आंख का एरिया कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4πr² × 10^18 × π रेडियस है, 4×10^-3 का होल स्क्वायर. अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जानी चाहिए, 500 के बराबर आ जानी चाहिए, अगर अपने को कुछ चीज देखनी है तो, है ना, क्योंकि वो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ही पूछ रहा है. तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए 500 के बराबर. किस किस को उड़ा दें यहां से, पहले ये पाए से पाए को उड़ा दो, इस 16 को 4 कर दो, ये 5×4 कर दो 20, 10^18 10^-6 है ना, और नीचे में आर स्क्वायर था उसको इधर ले जाते. सही किया ना अपने, 5×10^18 / 4πr² × π r² 4×10^-3 का स्क्वायर कर दिया है, 16 होना था उसको तो वो 4 हो गया है, 5×4 अपन ने कर दिया है 20×10^8 × 10^-6 चलो तो ये जो r आएगा यहां से कितना आ गया, 2/50×10^12 का होल रूट. तो 10^6/5 या 0.2×10^6 या 2×10^5 इतनी दूर होना पड़ेगा तब जाकर के ठीक से देख पाएंगे.